मगनलाल की चिक्की और कूपर्स की फर्ज लोनावला इन दो चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन पहाड़ों के बीच इस छोटे से शहर में आपको खाने की कमी नहीं मिलेगी। मिसल पाव से वड़ा पाव तक और चिकन रोल से चॉकलेट क्रीम तक, ये वीडियो आपकी लोनावला की ट्रिप सॉर्ट कर देगा। What's up guys, welcome back to another video. मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really great. और भाई मैं आ चुका हूं लोनावला में। अब लोनावला भाई जाना जाता है अपने बारिश में खूबसूरत व्यूज के लिए, ड्राइव्स के लिए, पहाड़ों के लिए और स्पेशली कॉर्न भजी के लिए। बट लिसन, आज के इस वीडियो में आपको खाने पीने की कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूँ कि जब आप लोनावला आएंगे ना, आपके व्यूज़ ही नहीं आपका पेट भी भरेगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको लोनावला के कुछ पॉपुलर ही नहीं बट कुछ हिडन जेम्स भी बताने वाला हूँ, जहाँ आपकी अपनी फैमिली के साथ जाके खाना खा सकते हो व्यूज़ देखने के बाद। हम खड़े हैं बाहर मेन रोड पे, लेफ्ट में आपके लेफ्ट में और मेरे राइट में आता है बुआची मिसल। अब बुआची मिसल का मैंने नाम ले लिया तो आपके मुँह में पानी आएगा। हाँ, कि मिसल इज़ वन ऑफ दी बेस्ट यू गेट इन एंटायर मुंबई एंड पुणे रीजन। Staff seems to be quite cooperative. I asked them if we can kind of shoot the making and they were like, "Theek hai, aa jao." So that was very sweet. एक दिन में कितना आप ऐसा सेल कर लेते हो मिसल पाव? जैसा कस्टमर ये पहचान, मतलब मिनिमम कितना रहता है? करीब 5 से 3 से 4 एक दिन में 500 रहते हैं। और वीकेंड पे आज तो शनिवार रहना था, फुल है फुल का अपना जितना बनाने का वो खत्म कर देगा। अच्छा, गिनने का नहीं, गिनने का नहीं, डायरेक्ट खत्म हो गया बनाने का। रापची बना पटापट, दैट्स बहुत स्वीट है आंटी जी, बहुत बहुत स्वीट है। सो ये इनका पूरा मिसल का एक प्लेटर लगा रहता है, वो तरी है और रस्ता है। अच्छा, वो रस्ता है। आपको तरी मांगता है तो ऊपर का लेने का। अच्छा अच्छा, आपल्याला तरी पाहिजे असेल तर हे आपण असं वरती घ्यायचं। ओके ओके, मीडियम पाहिजे तर थोडंसं असं की पूर्ण साधे पाहिजे तर। अच्छा, एकदम नीचे का। अगर अगर स्पाइसी किसी को नहीं चाहिए तो एकदम नीचे का, अगर बहुत स्पाइसी चाहिए तो एकदम ऊपर टॉप का जो वो रस्ता रहता है। तीखा मांगता है तो थोड़ा सा ऐसे कर लो। हम लोग तो अभी मैं आया हूँ, मैं वही शौक हो गया थे, 2-2.5 साल में बहुत ही जबरदस्त आपने चेंज कर लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लॉकडाउन के वजह से अभी जी 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 थोड़ा हाँ, अभी लॉकडाउन, अभी कैसे लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ ना, इसलिए अभी लोग ज्यादा आ रहे हैं। आता सगळे ओपन झाल्याच्या नंतर कस्टमर बाहेर आले तर त्यांना आता हे बघून जरा वेगळं चेंजिंग काहीतरी नवीन बघायला भेटते। ओके, यहाँ की जो बुआ है उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी खुद की वाटर बॉटल चालू की है, एंड उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने अपने वाटर बॉटल पे अपना नंबर लिख लिया। तो समझो कोई वाटर बॉटल लेके जाता है बट देन दे हैव टू कॉन्टैक्ट द रेस्टोरेंट, बट उनके पास एड्रेस नहीं है या उनके पास लाइक बेसिकली कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप बॉटल लेके जाओ, बॉटल रख दो, कभी उनका कॉन्टैक्ट करना हो तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ चीज़ें लाइफ में बदलती है ना तो दुख होता है, ये उन चीज़ों में से नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बदलती। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, इनका जो फरसान रहता है ना, जो फरसान रहता है वो लंबा रहता है और फरसान की क्वांटिटी बहुत रहती है। जो मट्टी होती है, स्प्राउट्स होती है, उसके ऊपर दे पुट सो मच फरसान, कांदा टमाटर क्वांटिटी में बिल्कुल ये लोग कंजूसी नहीं करते, बहुत जेनरस है। ये भर के उन्होंने हमको रस्सा दिया, ऊपर से तरी है, अगर आपको थोड़ा कम स्पाइसी चाहिए तो आप इसको नीचे से घुमाओ या नीचे का पार्ट लो, लेकिन अगर आपको फुल स्पाइसी चाहिए ये ऊपर का थोड़ा सा तरी लीजिए। Thank you.
नींबू के साथ एक अलग ही क्रेज आता है, नींबू निचोड़ दो, स्पाइसी मिसल पाव, कांदा, किलर टेस्ट है। टू गुड, एकदम टू गुड है भाई, बहुत अच्छा। हम लोग ने चास भी ऑर्डर किया अपने लिए, वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट अप वी हैव वेरी फेमस लोनावला का गोल्डन वड़ा पाव, और कहा जाता है कि लोनावला में वड़ा पाव सबसे बेस्ट आपको एक ही जगह मिलेगा और वो यहीं मिलेगा। और इतने सारे वड़े वो तल रहे थे मेरे सामने, समोसा, मूंग भजी, वहाँ पे डिजर्ट्स ऑप्शंस भी है, गुलाब जामुन, जलेबी, फरसान में भी आपको आइटम्स मिलेंगे, सिर्फ वड़ा पाव ही यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऑल्दो वड़ा पाव यहाँ पे बहुत फेमस है, उसके अलावा भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ये मेरा वड़ा पाव है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस प्रॉपर्ली, सिर्फ और सिर्फ ठेचा है। पहले बाइट के बाद आपको स्पाइस एड होता है, एनीवन हु लव स्पाइसी ये जगह आपके लिए ही बनी हुई है। इसके ठेचा में अदरक की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। दिस कॉस्ट 20 rupees। तो दिस इज़ प्रगति की फेमस कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, काफ़ी फेमस है। मिड डे में इसका आर्टिकल भी आया है, ये आता है लोनावला की लाइक मेन बाजार में सीधा जाओगे तो कूपर्स की फज है, एंड ये कोल्ड कॉफ़ी भाई इट लुक्स वेरी 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 टेम्पटिंग। ऐसे स्ट्रीट स्टाइल कभी कोल्ड कॉफ़ीज मैंने पी नहीं है, तो इसको पी के मज़ा तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। दिस कॉस्ट 120 rupees। ब्यूटिफुल, द रीजन मैं ब्यूटिफुल बोल रहा हूँ, डिलीशियस बाद में बोलूंगा, बिकॉज ये जो कॉफी है अगर आप प्रॉपरली देखोगे, ये जो कॉफी है इसको ऊपर से ड्रेसिंग बहुत अच्छे से की गई है। ऐसा एक चम्मच लेके आई एम गोइंग टू, जो कॉफी है भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये ऊपर से मेरे ख्याल में कोको पाउडर है, आइसक्रीम है, एंड ये बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, मस्ट से। दिस कोल्ड कॉफी इट्स नॉट लाइक वेरी डार्क, बट इतनी लाइट भी नहीं है, जितनी आपको चाहिए होगी उतनी ही है। उतना मस्त मिसल पाव, वड़ा पाव गरम गरम खाने के बाद ये कोल्ड कॉफी डेफिनेटली हमको चाहिए। यहाँ पे हॉट चॉकलेट भी मिलता है अगर आपको ट्राई करना है तो। Next up, we are going to have most famous sweet thing to have in Lonavala. It is Cooper's ki fudge. अब Cooper's ki fudge में बहुत kind of variety होती है और Cooper's ki fudge से जाना जाता है Lonavala. मैं road के एकदम बीचों बीच खड़े होके ये Cooper's ki fudge खा रहा हूँ, because थोड़ा street food kind of video है तो यार street food vibes रखते हैं। और जहाँ पे Cooper's ki fudge मिलती है वहाँ पे traffic बहुत रहता है, इसलिए वहाँ पे खड़े होके खाना मतलब नहीं था, गाड़ी ज़्यादा टाइम वहाँ रुका नहीं सकते आप, ये एक चीज़ आपको बता दूँ एज एन इन्फॉर्मेशन। ये कूपर्स की फज है 400 rupees में एक पाव, मतलब एक पाव में 400 rupees एक्सपेंसिव है, बट यहाँ की टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ। आइए, हवा बहुत अच्छी लग रही है और रोड पे गाड़ियों का आवाज़ एकदम अलग ही एक काइंड ऑफ फील दे रहा है।
मॉम और मैं दोनों मिलके खाते हैं ये, तो पहले मम्मी को खिलाता हूँ। पहले हमेशा मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन आज पहले मम्मी को ट्राई करवा रहा हूँ। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो मेरी मम्मी ने बोला बहुत अच्छी फज है, अब मेरा ट्राई करने का है। मैं ये फज दो तीन बार पहले खा चुका हूँ, तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे लिए। सो फ्रेश वॉलनट, इतना डालते हैं, कंजूसी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं। आराम से ये आपके घर में मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन फ्रिज में चल जानी चाहिए, 5 से 6 दिन फ्रिज में चल जानी चाहिए, 1 हफ्ता चल जानी चाहिए। आप जब इस फर्श का पहला बाइट लेते हो, पहले बाइट में आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी कड़वी होगी या क्या, बट आप जैसे खाते जाओगे ये कड़वी नहीं होती, बहुत प्रॉपर स्वीट होती है। सब एज ग्रुप के लोग ये खा सकते हैं फर्श, इतनी डिलीशियस, इतनी जबरदस्त होती है। चलो ये हमारी फर्श हो गई, मीठा मीठा बहुत हो गया, अभी चलते हैं अच्छी जगह पे लंच करने के लिए। तो आज लंच के लिए हम लोग आ चुके हैं रामाकृष्णा में, ये एक वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट है। मुझे लंच करते करते देर हो गई, 4 में 10 मिनट पड़े हैं लंच करने के लिए, और 4 तक ही इनका एसी सेक्शन चालू है, उसके बाद आपको बाहर बैठ के खाना पड़ता है। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है बिकॉज बाहर बहुत अच्छा और प्लेजेंट वेदर है। एक चीज़ में बता दूँ, मैं अक्टूबर में आया हुआ हूँ और वेदर बहुत प्लेजेंट है, इतनी एसी की आपको नीड नहीं पड़ेगी, चाहे आप कहीं कार में घूम रहे हो चाहे अपने रूम में भी रहोगे। पर रामाकृष्णा इज़ नोन फॉर साउथ इंडियन फूड। मैंने ऑर्डर किया है एक रवा मसाला डोसा के साथ मेदू वड़ा। तो हमारा लंच आ चुका है मेदू वड़ा, और मेदू वड़े की साइज़ मुझे बहुत अच्छी और बड़ी लग रही है, काफ़ी क्रम्बली टेक्सचर है इसका। ये देखिए मेरे हाथ में ऐसे हल्के से क्रम्बल हो रहा है, विच मीन्स बहुत ही कड़क और बहुत ही क्रिस्पी मेदू वड़ा। ये सांभार बहुत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारा रवा मसाला डोसा, आई जस्ट लाइक रवा मसाला डोसा का शेप, इट्स ऑलवेज डिफरेंट देन द नॉर्मल मसाला डोसा। अंदर बहुत सारा मसाला है, देखने से तो बहुत ग्रीन चिलीज और अनियंस और कड़ी पत्ता है। ये बीच में से मसाला ले लेते हैं। पहला इम्प्रेशन, आलू बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा नरम। जब खाते हैं आलू तो एक खुशबू आती है, तो वो खुशबू इस आलू से आपको डेफिनेटली मिलेगी, बहुत ही क्रिस्पी है ये। सांभर अच्छा, आई एम नॉट अ सांभर पर्सन, आई लाइक चटनी मोर। गोइंग टू डिप दिस अच्छे से भर के, पूरा सा बीच से हम लोग मसाला निकालेंगे। बहुत टॉप क्वालिटी का डोसा है ये। टाइम फॉर द मेदू वड़ा, लेट्स टेक अ बिग पीस। अगेन पहला इंप्रेशन काटने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। पूरा इसको अंदर डाल दूंगा मैं ऐसा, गोइंग टू फिल इट वेरी वेरी नाइसली सो दैट कोई भी कंजूसी ना रहे। Not the prettiest of bites I've taken ever. This medu vada, it is incredible. ये medu vada की best बात यह कि अंदर इसमें सिर्फ जीरा है, कभी कभी बीच में ग्रीन चिलीज भी आएंगे, बट इसको बहुत ही मस्त, यू नो, इसको डीप फ्राई किया गया है, इट्स बीन डीप फ्राइड टू परफेक्शन। दिस जस्ट टेस्ट बेटर विद द चटनी। सो माई मॉम हैज डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ टी, पहले वो टेस्ट करेंगे फिर मैं टेस्ट करता हूँ। तो मॉम ने बोला कि चाय थोड़ी सी मीठी है बट टेस्ट अच्छी है ना। सो हम लोग का लंच हो चुका है, 228 रुपीज वी पेड इन टोटल। 77 रुपीज का मेदू वड़ा था, 105 रुपये का रवा मसाला डोसा और 35 रुपीज का चाय, बाकी ऊपर से जो भी है वो टैक्सेस है। नाउ लेट्स गो टू हैव समथिंग विच आई रियली रियली लाइक इन लोनावला इन पर्टिकुलर, आई विल शो यू नाउ। तो अनफॉर्चुनेटली इनके पास स्ट्रॉबेरी क्रीम नहीं है, अब तक सीज़न ऐसा प्रॉपर आया नहीं है विंटर का, वो बोल रहे हैं, तो अभी फिलहाल वी वोंट गेट इट। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मे बी
और चॉकलेट क्रीम खाएं, चॉकलेट क्रीम यहाँ की बहुत अच्छी है। मैंने सिर्फ क्रीम ही नहीं, मैंने ग्रिल सैंडविच भी ऑर्डर किया है। तो दिस इज अवर चीज ग्रिल्ड मोज़रेला सैंडविच। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से ये मोज़रेला एकदम प्रॉपरली बाहर निकल के आ रहा है। एंड दीज आर सम वेरी नाइस फ्राइज। इसके ऊपर आई गेस वेरी वेरी मसाला है। दिस लुक्स, आई डोंट नो, मैं अभी इसको बोलूँ भी क्या, ये इतना ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। पूरा टप्पर क्वालिटी वाला ग्रिल सैंडविच, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक ग्रिल सैंडविच कॉस्ट 297 रुपीज़। आई नो इट्स वेरी प्राइजी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट देन अगर आप क्वालिटी देखोगे, इसमें कैप्सिकम है, कैबेज है, अनियन है, टोमेटोज हैं, बहुत सारी मोज़रेला चीज़ है। इन्होंने ऊपर से कुछ अपना स्पाइसी मसाला भी डाला है, ब्रेड के ऊपर डाले, अंदर शायद से नहीं डाले। यहाँ पे देस ऑफ पिज्जा, ग्रिल सैंडविच, फ्राइज, आइसक्रीम्स, मिल्क शेक्स एंड सूप्स। ठीक प्राइस है, प्राइस मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। सो गाइज, दिस इज चॉकलेट क्रीम विथ चॉकलेट आइसक्रीम एंड हल्के से इसमें यू नो ब्राउनी के पीसेस भी होते हैं। एंड भाई इसको बोलते हैं ना एक जन्नत काइंड ऑफ ए चीज़। चॉकलेट चिप्स हैं इसमें, सो अमेजिंग। कोई भी चीज़ ज़्यादा स्वीट नहीं है, ज़्यादा कड़वी नहीं है। सबसे नीचे उन्होंने चॉकलेट सिरप डाले, देन आइसक्रीम डाली, फिर से क्रीम डाली, देन हल्के से चॉकलेट के यू नो चिप्स डाले। ब्राउनी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, सो सॉरी फॉर दैट। मैप्रो का नाम इसीलिए, बिकॉज दे आर वेरी गुड विद द वे दे यूज द क्रीम। सो वो था हमारा मैप्रो में एक्सपीरियंस। लंच के बाद हमारा थोड़ा स्नैक भी देरी हो गया, अभी हम लोग होटल जा रहे हैं, कुछ देर रेस्ट करूंगा, रात के डिनर में आप सभी से मिलूंगा। अगर अब तक आपको ये वीडियो देख के मजा आ रहा होगा गाइस, तो प्लीज लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। चलो डिनर पे मिलता हूँ आप सभी से। सो वी आर गोइंग टू हैव द लास्ट मील ऑफ आर डे, एंड मेरे को डिनर में कोई जगह समझ ही नहीं आ रही थी, और मैं जहाँ रह रहा हूँ अपने होटल के बाजू में ही लकीली मुझे एक जगह मिल गई। नाउ दिस प्लेस, जितने मैंने रिव्यूज पढ़े, मुझे बहुत ही एक हिडन जेम काइंड ऑफ जगह लग रही है। हम लोग आ चुके हैं ग्रिल्स ऑन हिल्स पे, ये जगह आती है आप जैसे ही लोनावला और खंडाला के बीच में एंटर करो, मतलब बीच में वो एक रोड लोगे ना, एग्जैक्टली खंडाला में भी नहीं है, एग्जैक्टली लोनावला में भी नहीं है, थोड़ा यू नो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। ये जगह के प्राइजेस वर द ओनली रीजन मैं यहाँ पे खाने को आया, बिकॉज मुझे थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली जगह चाहिए था डिनर में। सो मैंने अपने लिए एक चिकन टिक्का बोल दिया है, मॉम के लिए पनीर टिक्का रोल बोल दिया है। द प्राइजेस हियर आर वेरी अफोर्डेबल, कोई भी चीज़ 200 रुपये के ऊपर नहीं है। सो गाइज, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये हमारे 6 पीसेस चिकन टिक्का हैं, दिस इज पनीर टिक्का रोल, एंड इट्स सर्व्ड विद मेयोनीज, शेजवान चटनी। एक चीज़ बहुत इंप्रेसिव है, आपने कुकिंग का पूरा स्टाइल देखा, बहुत ही होमली काइंड ऑफ इसमें फील है, बहुत घर जैसा कुकिंग का इसमें। एंड यहाँ हमारे चिकन सीख कबाब रोल आ गए हैं। एक चीज़ है, चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर है, आप जब बाइट लोगे ना तो हल्का सा विनेगरी, हल्की सी खटास आती है आपके मुंह में,
ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, कोई भी एज ग्रुप का बंदा खा सकता है। चिकन ग्रिल करते हैं तो जो मैरिनेशन होता है ना, अगर ज़्यादा चिपक जाता है तो मज़ा नहीं होता। जब वो हल्का सा गीला होता है, हल्का सा यू उसका वेट टेक्सचर आता है हमारे मुँह में, इस चिकन टिक्का से मुझे एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट आ रहा है। स्पेशल मेंशन टू दिस ग्रीन चटनी व्हिच इज क्रेजी, लाइक इट्स वेरी वेरी नाइस। दिस चिकन सीख कबाब रोल, आफ्टर हैविंग दिस चिकन सीख कबाब आई नीडेड लाइक 2 से 3 मिनट टू अंडरस्टैंड कि मैं एग्जैक्टली बोलूँ क्या। देयर इज अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। एक जो चिकन सीख कबाब है वो बहुत ही सॉफ्ट है। कभी कभार क्या होता है जब आप चिकन सीख कबाब खाते हो तो ड्राई रहता है, ये वैसा नहीं है बिकॉज इसके ऊपर बहुत अच्छे से पानी डाला गया था जब और उसको कुक, जब इसका रोल बनाया जा रहा था तो उसमें बहुत अच्छे से ऑयल डाला गया था। इसमें चीज सॉस है, इसमें ग्रीन चटनी है, अनियंस हैं। लुक एट दिस चिकन सीख कबाब, इसमें से बहुत ऐसा पनीर की फिलिंग आ रही है बाहर। ओह यस प्लीज प्लीज कोई मेरे घर के यहाँ पे मुझे खिला दो। दिस रोल, पनीर रोल कंपेयर टू द नॉनवेज रोल हैज अ लॉट ऑफ सॉसेस, चीज सॉस, मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस, तंदूरी सॉस, अनियंस, कैप्सिकम। जो पनीर है उसको बहुत अच्छे से तंदूर का बैटर लगा के उसको डिप फ्राई किया गया था। दिस पनीर रोल दिस इज स्वीट एंड सॉल्ट फ्रेश लाइम सोडा, फुल मार्क्स टू दिस प्लेस। सो गाइस दैट वाज इट, रात के 10:15 बज रहे हैं, मैं खंडाला की गलियों में लेजिट ऐसे पीछे देख रहे हो कितना सुनसान है, लुक बिहाइंड मी काफ़ी सुनसान है। लोनावला और खंडाला रात को जल्दी बंद हो जाता है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये लोनावला का फूड टूर वीडियो देख के मज़ा आया रहेगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और 2 वीडियोस आएंगे आके तो डेफिनेटली देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वन। अगर आपको मज़ा आए देख के तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और मिलूंगा आप सभी से अगले लोनावला के एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज पीस।